Hey Tanya, what do you say to these guys? No. Congratulations. Thank you. Music teacher के लिए थोड़ा सा आप कुछ जानना चाहेंगे कि किस तरह की ये फिल्म होगी क्योंकि आज ये फिल्म रिलीज हो चुकी है. Yeah. आप बताइए. It's a very small, quaint love story between a man and his student. It's set in Himachal in a small town. ये खुद बहुत एक ambition रखता था कि बॉम्बे आएगा, गाना गाएगा, फेमस होगा, लेकिन उसके साथ नहीं हुआ. लेकिन हुआ किसके साथ? उसका स्टूडेंट के साथ. और वो जो बीच में दरार हुआ दोनों के बीच में, शी हैज़ बिकम ए बिग स्टार नाउ एंड ही हैज़ स्टेड बैक इन द स्मॉल टाउन इन हिमाचल. एंड द फिल्म इज़ अबाउट दैट शी इज़ कमिंग बैक इन दैट टाउन फॉर अ बिग कंसर्ट एंड ही इज़ वंडरिंग हाउ टू डील विद इट. सो दैट्स द स्टोरी अबाउट. नेटफ्लिक्स का प्लेटफॉर्म आपने यूज़ किया जी, इतनी अच्छी फिल्म है तो आप इसे सिनेमा घरों में भी ले जा सकते हैं, कोई खास? नेटफ्लिक्स इज़ ऑल्सो ए वेरी अच्छा प्लेटफॉर्म. आप उस तरह से मत देखिए चीज़ को, क्योंकि एट वन गो आई कैन रीच आउट टू 190 कंट्रीज. पीपल कैन, यू नो, देर आर सर्टन फिल्म्स विच आर स्पेक्टेकल्स विच नीड बिगर स्क्रीन, दिस एक्शन और यू नो दोज काइंड ऑफ स्टफ. फर्स्ट फिल्म्स लाइक दिस विच आर मोर इमोशनल काइंड ऑफ फिल्म्स, आई थिंक नेटफ्लिक्स काइंड ऑफ OTT platforms are brilliant because you can sample your on your own time, watch it in your own space and enjoy it. You don't have to really rush for the screenings, and you know sometimes you do not get the best slot in the theaters and all that because it's a small film. It's very understandable why this whole dynamic is, or economic dynamic for films. I think it's a great platform for films like this. Good evening, Sarthak. Hi. Sarthak, Amit, the care response mila, what have been the response till now? Today at around 12:30 in the afternoon it has come live. Today at around 12:30 it has come live in Netflix. And I have been receiving a lot of congratulatory messages, and you know, so friends have been watching. So I'm hoping that, you know, slowly normal people will also start watching it, and you know, I'll get to know. I do not know. I mean, it's too early to say anything. Thank you so much. Thank you. Your smile reflects on the audience also. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. अरे वो पिक्चर देखने के बाद बोलेंगे ना, अभी क्या बोलेंगे? आइए ना, बात करते हैं. हाँ, अभी पिक्चर देख लें. नहीं, व्हाट द पॉइंट? व्हाट शुड आई से अबाउट द फिल्म? मैं देखूंगा ना तो बोलूंगा ना. म्यूजिक टीचर, वैसे अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं जब? नहीं नहीं, इसका जरूरत बहुत है म्यूजिक टीचर्स की, तो बहुत अच्छे सही वक्त पे बनाई जा रही है. हाँ. मतलब क्या कौतूहल जगाता है ये शब्द आपके मन में जब आप फिल्म देखने जा रहे हैं? पुरानी यादें आती हैं जी. जी, शुक्रिया. अरे सुनो ना सर, देखिए जिम्मेदारी हमारी ये रहती है कि अच्छी कहानी को लेकर आएँ और उस अच्छी कहानी के साथ जस्टिस करें पूरा, और ऐसा करें कि डायरेक्टर भी खुश रहे, प्रोड्यूसर भी खुश रहे और एक्टर भी खुश रहे. और हम काफ़ी खुश इस बात से, मतलब मुझे काफ़ी खुशी है कि आई थिंक सब लोग इस पिक्चर को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं और खुशी है उन सब में. आपने
तो वी विश एवरीबडी द बेस्ट ऑफ लक। Thank you. I think we all learn music somewhere, and music teachers are in a very integral part of our lives. ये music teacher थोड़े से अलग हैं, romantic हैं, और क्या उनकी ज़िंदगी इतनी confused है, and probably he doesn't know where he belongs and what he wants in life. And there are these two women in his life, which is me and Amrita. And so yeah, the story is all about that. मैम, आप अपने character के बारे में थोड़ा बताएं कि कैसा आपका character? जी, कैरेक्टर का नाम गीता है और मेरे बहुत ही पसंदीदा रोल्स में से ये एक है, क्योंकि जब मैंने स्टोरी सुनी थी मुझे लगा ये मुझे ज़रूर करना है। दिस इज़ द काइंड ऑफ रोमांस आई रियली वांटेड टू डू। पंचमदा के गाने इसमें दोबारा रिप्राइज किए गए हैं और मेरा सबसे पसंदीदा गाना फिर वही रात है, जो मैं मतलब लूप पर सुनती हूँ, वो मुझ पर पिक्चराइज हुआ, तो वो मेरे लिए सबसे हाई पॉइंट था इस फिल्म के लिए। तो ये ख्वाब होता था हमारा कि पंचमदा गुलजार साहब का जो कॉम्बो है हमें मिलेगा कभी, तो आई बीन लकी टू हैव दैट। बड़ा प्यारा रोमांटिक नुआंस्ड रोल है, जहाँ वो स्ट्रॉन्ग भी है, वल्नरेबल भी है, एंड शी लव्स द हीरो, एंड बट इट्स लाइक लाइक या इट इज़। ओटीटी प्लेटफॉर्म को आप भी काफ़ी एक्सप्लोर करने में जुट गई हैं? जी, अभी फिल्मों के जरिए थोड़ा थोड़ा आ रही हूँ मैं, धीरे धीरे फूंक फूंक कर कदम रख रही हूँ। अभी शॉर्ट फिल्म्स आई थी, अभी फीचर्स आ गई हैं, तो वो सबको बहुत प्यार मिला है। सो आई थिंक नाउ आई विल जंप इनटू अ वेब नाउ। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, आईपीएल सीजन चल रहा है जी, आपकी फेवरेट टीम अगर मैं आपसे पूछूं, कितना फॉलो कर पाती हैं अगर आपको पता? लिसन, आई रियली लव ऑफ कोर्स मुंबई इंडियंस, यस, बिकॉज दैट्स लाइक एन इमोशनल थिंग। पंजाब मुझे बहुत पसंद है, एक मेरा खुद का पंजाब है, ऊपर से प्रीति की टीम है, और सबके साथ, आई मीन इट्स ऑलवेज लाइक हु प्लेज बेटर समटाइम्स, इट्स शाहरुख, एंड देन मुझे धोनी का, आई ऑलवेज वेट फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। ऐसा कोई फेवरेट प्लेयर भी है आपका? धोनी, ऑलवेज। आई लव हिज लास्ट क्लाइमैक्स में जो करते हैं हमेशा, इट्स लाइक अ सुपर हिट फिल्म का नेल बाइटिंग क्लाइमैक्स एवरी आईपीएल। जी, मैंने क्या बोलते हैं उसको, हारमोनियम सीखा था, सो भूल गए अभी, मतलब दोबारा करूँगी तो याद आ जाएगा, बट इट्स बीन देयर, यस। बिफोर वी मेक अ रिक्वेस्ट टू यू, वोट करने जा रहे हो? ऑफ कोर्स जा रही हूँ। कहाँ पे होगा सेंटर? यू वुड लाइक टू इनिशिएट पीपल टू वोट फॉर? आई वुड मोस्ट डेफिनेटली से अपने ड्राइंग रूम से, अपने घरों में बैठ के डिस्कस करने से अच्छा है अपना लीडर खुद चुनें, और प्लीज़ 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 वोट करें। इससे ज़रूरी कुछ नहीं है, अगर आपके जो वोटिंग कार्ड्स है वहाँ यहाँ पर नहीं है, और जहाँ हैं आप प्लीज़ वहाँ जाएँ, छुट्टी ले लें, जो मर्ज़ी करें, लेकिन इस बार अपनी पसंद का लीडर लेके आएँ, क्योंकि जब कोई आ जाएगा फिर आप कहेंगे कि अरे ये कौन आ गया, उसमें आपका हाथ भी है। सो प्लीज़ प्लीज़ चुनें, गेट द राइट लीडर, सी देयर बैकग्राउंड, सी इफ देयर रिस्पॉन्सिबल, सी इफ देयर एजुकेटेड, एंड जस्ट गो वोट। इसमें आप पूरे बैलेंस तरीके से सारे ऑब्जेक्टिवली चीज़ों का जवाब देती हैं। उसमें इस बार जैसे हमने देखा, पढ़ा लिखा जो आ रहा है, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में दो लोग एक साइड हो गए हैं, मतलब कुछ लोग एक तरफ वोट करने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग एक तरफ वोट करने की बात कर रहे हैं। ये पहली बार 2014 तक ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि इस पर भी डिविजन हो गया कि आप इसको वोट मत करो, एक तरफ खुलेआम कहा जा रहा है, दूसरे कहा इस तरफ इसको वोट करो जी। इसको किस तरह से लें? आई थिंक ओपिनियंस हमेशा होती हैं, जितनी स्ट्रॉन्ग पार्टीज़ होंगी उतनी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होगी, उतनी ज़्यादा साइड्स ली जाएंगी। मेरा विचार ये है कि मैं हमेशा इंडिविजुअल्स के लिए जाती हूँ, और मेरे कुछ खास इंडिविजुअल्स फेवरेट हैं, वो किसी भी पार्टी के हों, और उनके लिए मैं हमेशा रूट करूँगी। और मुझे लगता है कि आप किसी भी पार्टी में कुछ अच्छे कैंडिडेट्स होंगे, कुछ नहीं होंगे, तो प्लीज़ आप उन अच्छे कैंडिडेट्स को ज़रूर लेकर आएँ पावर में, और जो नहीं है उन्हें प्लीज़ छोड़ दें। मेरी जो दुविधा है ना, हमारी जो दुविधा है वो फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, कि वो क्यों ऐसे डिवीजन में आ गई, क्योंकि हमेशा एक ही माना जाता था, आप दोनों साइड्स ले रहे हैं।
क्योंकि एक चीज़ एक होड़ शुरू होती है तो फिर सब आ जाते हैं उसमें, तो ये उस तरह से एक सबके स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट्स हैं, सबके पॉइंट्स ऑफ ओपिनियन हैं और हर कोई वो स्टैंड को सबके सामने ला के रखना चाहता है और उतने ही लोग उसमें घुस रहे हैं. सो आई थिंक दिस इज़ जस्ट अ फेज एंड वाई नॉट, आई मीन इफ़ दे हैव देयर ओपिनियंस होनी चाहिए, क्यों ना हो. जी मैं लाइफ में नहीं गा सकती फिर वही रात है. यू कैन सी मी पिक्चर है. बोल के तो सुना दीजिए. अच्छा मैं गाई देती हूँ. फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की. इतना अच्छा तो है. आया प्लीज. थैंक यू. थैंक यू सो वेरी मच. आने दे यार.